स्वागत है आप सभी का दोस्तों। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केयू के ओर से सितंबर में लिए गए ऑनलाइन एग्जाम्स के अंदर ईमेल पर उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट अपलोड करने में काफ़ी परेशानियां आ रही थी। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से इस बार गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करने का फैसला लिया गया है। ऐसी स्थिति में इस बार एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र भी गूगल फॉर्म पर अवेलेबल कराए जाएंगे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अब इसके लिए संबंधित अधिकारियों को इसका ऑनलाइन प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है। अब संबंधित अधिकारियों की ओर से परीक्षा से पहले गूगल फॉर्म का लिंक तैयार कर सभी परीक्षार्थियों के पास भेजना होगा। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से सितंबर के अंदर ऑनलाइन परीक्षाएं ली गई थीं और इनमें परीक्षार्थियों के पास घर बैठे ही प्रश्न पत्र पहुँचाए गए। इसके बाद परीक्षार्थी की ओर से आंसर शीट स्कैन करने के बाद संबंधित परीक्षा केंद्र के लिए तैयार की गई ईमेल आईडी पर अपलोड करना था। इसमें लाखों परीक्षार्थियों की ओर से ईमेल आने पर, आंसर शीट अपलोड करने पर कई विभागों के मेल बॉक्स फुल हो गए थे। अब ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी वो ये थी कि परीक्षार्थी जो मेल भेज रहे थे वो बाउंस होने शुरू हो गई। यही कारण था कि कई दिनों तक तो आंसर शीट की जाँच करने और इससे जुड़ी कई और प्रॉब्लम्स आने लगी थी। अब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इस प्रॉब्लम का हल गूगल फॉर्म का यूज़ करके निकाला है। अब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय प्रशासन आगामी 21 दिसंबर से विश्वविद्यालय की तरफ से ब्लेंडेड मोड में ही परीक्षाएं लिए जाने का फैसला कर रहा है। इसके लिए तैयारियों को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बारे में यूनिवर्सिटी के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि इस बार परीक्षाएं गूगल फॉर्म पर ली जाएंगी। इससे एक साथ उत्तर पुस्तिका अपलोड करने पर मेलबॉक्स फुल होने की समस्या का भी समाधान हो जाएगा। गूगल फॉर्म पर उत्तर पुस्तिका अपलोड करने पर ये सीधे ही गूगल ड्राइव में जाएगी और इसमें स्पेस की कोई समस्या नहीं होती। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए पहले ही संबंधित कॉलेजेस के स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है गूगल फॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं कि सब लोग ऑफिस, एमएस ऑफिस, इसका इस्तेमाल आप लोग करते होंगे, इसे आप जानते होंगे, इससे रूबरू होंगे। इसी तरह गूगल ने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, सर्वे, प्रेजेंटेशन, बायो आदि जैसे बनाने के लिए डॉक, शीट, स्लाइडर और फॉर्म्स की किट बनाई है। सबसे पहले डॉक, स्लाइडर और शीट्स मार्च 9, 2006 में ये तीनों एक साथ रिलीज किए गए थे।